विकास खंड भरोरिया के तहत बिस्टोली के ग्राम प्रधान की गिरफ्तारी की मांग को लेकर ग्राम पंचायत अधिकारी व ग्राम विकास अधिकारी समन्वय समिति के सदस्यों ने शुक्रवार को कार्य बहिष्कार करते हुए विकास भवन परिसर में धरना दिया। ग्राम पंचायत अधिकारी व ग्राम विकास अधिकारी समन्वय समिति के लोगों का कहना है कि कुछ दिन पूर्व बिस्टोली के ग्राम प्रधान द्वारा खंड विकास अधिकारी संदीप सिंह और ग्राम विकास अधिकारी मनोज कुमार के साथ दुर्व्यवहार किया गया था, जिसको लेकर बिस्टोली के ग्राम प्रधान के खिलाफ FIR भी दर्ज कराया गया। इसके बावजूद पुलिस ने अभी तक दोषी ग्राम प्रधान की गिरफ्तारी नहीं की है, जिसके कारण ग्राम पंचायत अधिकारी और ग्राम विकास अधिकारियों में काफी आक्रोश है। गोरखपुर न्यूज संवाददाता से बात करते हुए समिति के ज्ञानेंद्र कुमार सिंह ने कहा कि जब तक दोषी ग्राम प्रधान की गिरफ्तारी नहीं होगी, तब तक उनका कार्य बहिष्कार जारी रहेगा। मैं ज्ञानेंद्र कुमार सिंह, खंड विकास अधिकारी। सिर्फ एक मांग है, जो हमारा नव सृजित विकास खंड भरोहिया है, उसका एक प्रधान बिस्टौली ग्राम पंचायत के राम नगीना सिंह ने, जब मुख्यमंत्री के जी के प्रायोरिटी कार्यक्रम है जिसमें सर्वे हो रहा है आवास का, पेंशन का और सभी चीज़ों का, उस कार्य को करने के लिए गया तो उसको जाति सूचक शब्दों से गाली दिया और उस गाली गलौज किया। जब उसने बताया कि हमें खंड विकास अधिकारी महोदय ने भेजा है और ये हमें कार्य करके देना है, तो उसने खंड विकास अधिकारी श्री संदीप सिंह को भी फ़ोन करके गाली गलौज किया और बोला कि आपका आके हाथ पर तोड़ देंगे, और इस तरह से बदतमीजी की। FIR हुआ है कैंपियरगंज में, खंड विकास अधिकारी महोदय ने कराया है कैंपियरगंज थाने में। उसके अलावा जो है गुलहरिया थाने में SC ST एक्ट के तहत FIR कराया गया है और शासकीय कार्य में बाधा डालने का कराया गया, लेकिन अभी तक पुलिस प्रशासन ने उस व्यक्ति को गिरफ्तार नहीं किया है, जिसके विरोध में सभी आक्रोशित हैं और ये आंदोलन कर रहे हैं। अगर ऐसे होगा तो हम लोग कार्य करने में सक्षम नहीं हो पाएंगे, और इस तरह से ये कार्य आज हम लोगों ने दिया है आज, और जब तक उसकी गिरफ्तारी नहीं होती तो ये कंटिन्यूस चलेगा।